नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर हीटर को टेस्ट कैसे किया जाता है। ये मल्टीमीटर है हमारा। सबसे पहले इस मल्टीमीटर को हम बर्जर पर कर लेते हैं। ये बर्जर वाला पॉइंट है, बर्जर वाले पॉइंट का ये हीटर है डबल डोर का, जिसकी दो लूप निकली हुई है। डबल डोर के हीटर जो है, जब फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, उसको बिगड़ाने के लिए इस हीटर का प्रयोग किया जाता है, या फिर इसे बायोमेट्रिक स्विच है वो अपने आप ही ऑन कर देता है। तो मीटर को पहले चालू कर लेंगे, इसे बर्जर पे करते हैं। सबसे पहले बर्जर पे करने के बाद इससे जो है पी की आवाज़ आएगी। अब इसे चेक करेंगे, देखिए जीरो हो गया। अब इसके दोनों सिरों पर जो है वायर को लगाएंगे और कंटिन्यूटी को देखेंगे। ये जो है इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है 324 की कंटिन्यूटी बोल रही है। ये मीटर एकदम सही है। अगर जीरो बोलती है तो ये मीटर ख़राब है या फिर कहीं से टूटा हुआ है। एक बार फिर से चेक करेंगे हम इस मीटर को दोबारा से, एक बार फिर से देखिए वही मीटर और हीटर है दोनों ही। अब दोबारा से चेक करेंगे तो इसका जो कंटिन्यूटी बोल रही थी उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो टच करने का तरीका है उससे थोड़ा फ़र्क आ जाता है कंटिन्यूटी में। दोबारा से चेक करते हैं। ये छोटा वाला मीटर है, पीला वाला 250 या 300 रुपये के करीब का आता है। ये हीटर है, दोनों सिरों पर लगाया जाएगा। अब इसकी रीडिंग बोल रही है 297-98 के करीब, पहले 324 बोल रही थी। ये फ़र्क जो है दो तीन बार चेक करने से आ गया है इसमें। ये पूरा हीटर है, देखिए कांच के फिलामेंट के अंदर, इसे शॉर्ट ना हो जाए। बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ इसके चारों तरफ जम जाती है तब ये जो है चालू होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।